विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का संदेश नहीं है, मैंने कहा था, बल्कि ये उन्हीं का संदेश है। ये मैंने उन्हें कहा और हुआ भी नहीं। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए फायदे का तो हमारे लिए क्यों होता है पहले बोल रहा था। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है ये एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से बात उठाए। आदरणीय अटल जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहाँ 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। बीते दिनों इसी सदन में और हमारे दोनों सदन में जन विश्वास बिल, मेडिशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च कमीशन बिल, पोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहाँ पारित हुए। और ये ऐसे बिल हैं जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा एक था थे वो ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हकारी हो चुकी है तो उनको पीछे लेकिन जो चाहते हैं। यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से भी देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला है। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत से जो गुजरे जिस व्यक्ति के साथ सोचा गया इससे भी आपका इतिहास डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन भी, लेकिन अपने आप से देश के युवाओं के जनवे में जिस बात आज प्रमुखता है उसी युवाओं में आने वाला समय टेक्नोलॉजी जीवन डाटा को इस प्रकार से सेकंड ओली के रूप में सेकंड गोल के रूप में माना जाता है, उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत है। लेकिन
राजनीति आपके लिए काफी।